नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बांदा जनपद के बबेरो कस्बे के राघव थोक मोहल्ले का रहने वाला देवा उर्फ देवानंद पुत्र सुरेश कुमार उम्र करीब 25 वर्ष आज मंगलवार को अपने छत पर धूप ले रहा था। अचानक खड़ा हुआ, छत की बाउंड्री न होने के कारण छत से नीचे गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो तुरंत बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं एम्बुलेंस के आने के पहले युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में आराम मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एनपीटी न्यूज एजेंसी ब्यूरो चीफ निर्मल सिंह की रिपोर्ट बांदा से। हमारा नाम है राम बाबू। क्या घटना हुई जो अभी अस्पताल लेके आए हैं? वो जो है तो बच्चा उसका देवानंद है नाम था, तो वो अपना छत में मतलब धूप ले रहा था, ठंडी थी, तो अचानक वो उठा और छत से नीचे गिर गया। तो नीचे लगे इंगल थे तो इंगल उसके पेट में घुस गया, तो उसको आनन फान हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें मतलब बांदा के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस आने के पहले उनकी मतलब मौत हो गई। सुबह कितने बजे घटना है ये? सुबह मतलब वही 7 बजे की है जी। एक 25 साल के युवक देवा पुत्र सुरेश को 10:05 पर CHC बबेरू में लाया गया था, जो कि ऊपर से गिरना बताया गया और कुछ लोहे का हिस्सा घुस गया था उसको। उसकी आंतें काफ़ी बाहर आ गई थी, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। अपने हिसाब से जितना हो सका हम लोगों ने इलाज किया, उसके बाद उसको बांदा जिला अस्पताल के लिए रिफर किया। 108 से बात की गई एम्बुलेंस से, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही उसका देहांत हो गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।